क्रिश 4 को लेकर अब बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्रिश 4 ऋतिक रोशन के साथ ही बनेगी, लेकिन इसमें अब कुछ ट्विस्ट आ गया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के फ्लॉप होने से राकेश रोशन परेशान हो गए हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं और कब तक बनेगी ऋतिक रोशन की क्रिश 4 ये भी साफ कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्रिश 4 की मेकिंग में क्या ट्विस्ट आया है और ये कब से फ्लोर पर जा सकती है। जी हाँ, एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में राकेश रोशन ने बताया कि कैसे क्रिश 4 उनके लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है। इस पर बात करते हुए राकेश रोशन ने कहा, क्या हो रहा है कि दर्शक अभी भी थिएटर्स में वापस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये मेरे लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। क्रिश एक बड़ी फिल्म बनने जा रही है, दुनिया छोटी हो गई है और आज बच्चे हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्में देखने के आदि हैं, जो 500 से 600 मिलियन डॉलर के बजट पर बनती है। इस बीच हमारे पास इसकी तुलना में 200 से 300 करोड़ रुपए का छोटा बजट ही है। राकेश रोशन ने आगे कहा, फिल्म को वो लुक कैसे दिया जाए, मैं 10 के बजाय 4 सीक्वेंस बना सकता हूँ, लेकिन उनके एक्शन की क्वालिटी मैच होनी चाहिए, VFX अच्छे होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि फिल्म का बजट और प्रोडक्शन कास्ट कैसे मेंटेन रहे। बड़ी बड़ी फिल्में जो आज के टाइम में रिलीज हो रही हैं, अच्छा बिजनेस नहीं कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने आगे कहा, ये तय है कि हम इस पर कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए जहां फिल्म अच्छा नहीं कर पा रही है और प्रोडक्शन कॉस्ट तक नहीं निकाल पा रही है, ऐसे में हम फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये फिल्म जरूर बनेगी, लेकिन इस साल नहीं। यानी कि राकेश रोशन ने साफ कर दिया कि ये क्रिश 4 पर काम होगा, लेकिन इस साल में इस पर काम करने का कोई विचार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार क्रिश 4 में अलग किस्म की मार धाड़ एक्शन के अलावा फिल्म में एक इमोशनल कोर फादर सन ट्रैक भी है, जिसको देखने के बाद से दर्शक भी इमोशनल हो जाएंगे। कुल मिलाकर मामला सारा सेट होता नजर आ रहा है और अब ऋतिक जल्दी ही सुपर हीरो वाली अवतार में नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए दर्शकों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि फिल्म की कहानी इस बार किस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आती है और इस फिल्म को फ्लोर पर कब से ले जाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। खैर, अब आप बताइए, सालों बाद ऋतिक को एक बार फिर से सुपर हीरो वाले अवतार में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।